मैं सांसद इम्तियाज़ भाई जलील का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों के लिए खेल के मैदान ये कम होते जा रहे हैं, और ऐसे इसमें इन्होंने ये बहुत शानदार आयोजन इस पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का किया, और उसके बाद वो यहाँ स्टेडियम बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो युवा किसी भी वर्ग का हो, वो युवा कोई भी विचारधारा मानने वाला हो, उसकी जो उसका जो जोश होता है, जो युवा का जोश होता है, वो अगर मैदान पे उतर आए तो मुझे लगता है कि ये युवाओं को एक सही राह दिखाने का जो प्रयास सांसद जी कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इस काम में सहयोगी सांसद होने के नाते मेरा जो भी उन्हें योगदान होगा मैं डेफिनेटली उन्हें हेल्प करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इम्तियाज़ भाई की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, और इम्तियाज़ भाई अगर उन्होंने ये ठान लिए तो ये बात जरूर वो करेंगे। औरंगाबाद ड्रग्स फ्री के साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र को भी ड्रग फ्री करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम अगर ड्रग्स का जो एक संकट है, ये बहुत गहरा संकट पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के युवाओं पे, हमें युवाओं के सर पे मंडराता हुआ दिख रहा है। और मैं अभी जैसे मैंने स्पीच में कहा कि हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जवानी में नशा तो करनी चाहिए, लेकिन मेरे सभी युवा भाइयों को यही बताना चाहूँगा, अगर नशा ही करनी है तो शहीद भगत सिंह जी जैसी नशा करो, जो देश प्रेम की नशा हो, जो मातृभूमि की सेवा की नशा हो, जो मानवता की सेवा की नशा हो, अगर ये नशे की लत आपको लग गई जो देश प्रेम को लेके होती है, जो मातृभूमि की सेवा को लेके होती है, तो मुझे लगता है किसी भी जो कृत्रिम सहारे होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और देश का युवा एक बलशाली भारत के लिए, एक बलशाली देश के लिए उभर के सामने आएगा। शुक्रिया। ड्रग्स नशा मुक्त, बटन नशा मुक्त, चरस गांजा, ये जो मुहिम शुरू किया है हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने, ये शहराना औरंगाबाद के नौजवानों के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ही मैं अपनी ओर से, अपनी फैमिली की ओर से, शहरियन औरंगाबाद की ओर से इम्तियाज जलील साहब खासदार को मुबारकबाद देता हूं, जलील साहब को, उनके बिलाल जलील साहब को, अहमद जलील साहब को और उनकी तमाम टीम को। और यहां जो मैनेजमेंट हुआ वो भी बहुत अच्छे से हुआ, रेफरीज जितने भी आए हुए हैं बहुत अच्छे रेफरीज है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, और ऐसे ही टूर्नामेंट खासदार साहब आगे भी करते रहे ऐसा मैं कहता हूं कि शहरियाना औरंगाबाद के नौजवान बच्चों को खेलने का मौका, एक बहुत अच्छा ग्राउंड उन्होंने करके दिया। जब मैं क्रिकेट का फाइनल मैच देखने के लिए यहां आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने वानखेड़े स्टेडियम पे काफी मैचेस देखे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वानखेड़े स्टेडियम पे बैठ के फाइनल मैच क्रिकेट का देख रहा हूं। तो खासदार साहब ने जो ग्राउंड को बनाया है, जो फ्लैड लाइट टूर्नामेंट उन्होंने किया है, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। और नशा से शहरियाना औरंगाबाद के हर इंसान जो भी करता है तो उससे दूर जाने की कोशिश करे और नशा बिल्कुल ना करे, क्योंकि उससे एक इंसान नशा करता है घर में सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, दोस्त अहबाब डिस्टर्ब होते हैं। इन्होंने जो धोरण लेके चला है खासदार साहब ने, बहुत अच्छा है, मैं उनको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। खासदार साहब की कोशिश ये है, इस ऐतिहासिक मैदान पर स्टेडियम होना चाहिए, स्टेडियम बनना चाहिए, गवर्नमेंट से भी वो मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या उनको कामयाबी मिल सकती है इसमें? 100% मिल सकती है खासदार साहब को कामयाबी, क्योंकि उस दिन मैंने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री के बच्चे यहाँ पर खासदार आए थे, वो उनके साथ ही वहां पर है, तो उन्होंने कहा है कि हम स्टेट से और सेंटर से इतना फंड लाएंगे और इसमें जो भी मतलब खामियां है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, और खासदार साहब इसको दिल पे लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए फंड देंगी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ये स्टेडियम बनना भी बहुत जरूरी है, ऐसा मैं कहता हूं। और खासदार साहब के साथ जितने भी हमारे शहरियाना औरंगाबाद के लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी उनके साथ कंधे को कंधा मिलाकर जहां भी अगर कुछ बात आती है तो उनका साथ देना चाहिए, और इंशाल्लाह आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में यहां हम सब शहरियाना औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरा मराठवाड़ा और पूरा महाराष्ट्र स्टेडियम देखेगा, और बहुत अच्छे पैमाने पर स्टेडियम बनेगा और खासदार साहब इसको बना के रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। लॉस में चलने के बाद में हमने वापसी की शिकर, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते फाइनल, हर कल इंशाल्लाह इससे अच्छा खेल के बताएंगे। आपने इसे पहले भी बड़े बड़े टीमों का हिस्सा रहे, नेशनल भी खेला, आपका जो एक्सपीरियंस है तो इस मैदान पे आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा नजर आया, खिलाड़ियों के लिए भविष्य कैसा है आमकद मैदान का? भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर लड़कों की तवज्जो चाहिए,
अगर लड़के लोग अगर इंटरेस्ट लेते, हार्ड वर्क मेहनत करते तो उनका फ्यूचर है, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं। खासदार साहब ने जो है इस मैदान को स्टेडियम बनाने के लिए कोशिश और जद्दोजहद कर रहे हैं और नौजवानों ने स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए, नशा मुक्त हो शहर, इसके लिए उन्होंने ये स्टेडियम पर इतना बड़ा जो है स्पोर्ट्स का इंतजाम किया है, तो उस पर क्या कहेंगे नशा मुक्त? हमारे बहुत सालों से यही आशा थी कि औरंगाबाद में आमखास में एक स्टेडियम बनना चाहिए और वो इम्तियाज भाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश कामयाब हो अल्लाह करे। कौन कौन सी टीमों से खेले हुए आपने, कौन कौन सी टीमों के साथ खेले हैं अभी तक? सबसे पहले मैं स्टार्ट किया हूँ यहाँ से, औरंगाबाद से मेरा पहला क्लब था जो यंग बॉयज, उसके बाद मैं गया हूँ मुंबई में आरसीएफ के लिए खेला हूँ, उसके बाद महिंद्रा के लिए मैं 4 साल खेला हूँ, महिंद्रा के बाद मैं मोहन बगान खेला हूँ, सलगावकर खेला हूँ, पुणे एफसी खेला हूँ, चर्चिल ब्रदर्स खेला हूँ, वास्को क्लब दी गोवा खेला हूँ, उसके बाद नागपुर एकेडमी नागपुर में खेला हूँ, कोल्हापुर में खेला हूँ और एएफसी कप खेला हूँ बाहर कंट्रियों में जाकर, उसके बाद मैं 5 टाइम्स संतोष ट्रॉफी खेला हूँ। तो क्या लगता है मॉडर्न जीत सकती है फिर कल फाइनल? इंशाल्लाह, हम तो नहीं बता सकते, कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह वाली। आपके जूनियर खिलाड़ी को कुछ मैसेज? वही हार्ड वर्क करो, जो बड़े बोलते हैं सुनो, रात में जल्दी सो जाया करो, अपने लोग का मसला यही है रात भर जागते और दिन भर सोते। शुक्रिया। वो टाइम पे बहुत प्रेशर का टाइम था, बट ये भी माइंड में था कि हमारी टीम वो कर सकती है और अलहमदुल्ला वो करके दिखाए मैच, तो बहुत काफी मजा आया टीम में और काफी प्रेशर मैच था और हमारे बच्चों लोग ने उसको उसके इम्प्लीमेंट करके बताया। आपकी फ्रेंचाइजी और कोच के बारे में क्या कहेंगे, कैसा उन्होंने आपको? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मोटिवेट किया है हमारे कोच ने, और ये तो एफएल टाइप और वैसे भी हमारे यंग स्पोर्टिंग क्लब के इन्हों ही कोच है, तो अलहमदुल्ला हमेशा हमारे साथ रहते हैं और इधर से तो अलहमदुल्ला बहुत। कल के लिए फाइनल में क्या चुनौती है आपके सामने? कल के लिए तो टीम बड़ी है सामने, सामने टीम बड़ी है, सामने फॉरेनर्स बट ओवरकम करेंगे हम, उनके पास जो एडवांटेज है हम उसका डिसएडवांटेज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, आपने टीम को तैयार किया, एक बेहतरीन खिलाड़ी दिए और उनको अच्छा आप ट्रेन कर रहे हैं? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रऊफ खान का, हमारे टीम के ओनर इड्डू खान, जिन्होंने मुझे कोचिंग का चांस दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने अच्छी प्रैक्टिस की और हमारी टीम इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगी। Yes sir, say two words in English, if you excuse me. But thank God, Alhamdulillah, that we won the match. Our boys, they fight very well. And I will say also thank you so much for the organizing committee, Mr. Imtiaz Jalil, Khadar Saab, for organizing that big platform in Ottawa. And everybody enjoyed that platform. And inshallah next year and in next future, inshallah, better tournament will come inshallah in Aurangabad. My experience is I enjoyed the place, I enjoyed the situation, mahol as you say in Hindi. It was very very nice and perfect. And the players also played very well. That future inshallah will come better and better inshallah. We thank him so much. He was treating us like just his sons. He is also a very good man. We wish him all the best in his life. अच्छा महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे टीम के जो सर है बकर सर, उनका जो भरोसा था उस पे हम सर के बदौलत जो भी है वो है। अभी तक का कैसा सफर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा था, सब मैनेजमेंट सब अच्छा था। आपकी टीम का सिलेक्शन वगैरह, आपकी जो फ्रेंचाइजी हमारे प्रांतोज वाघमारे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मकर सर है उनका भी शुक्रिया, और ये सारा ऑर्गेनाइज किए उसके क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनाइज अच्छा सब अच्छा था सर।